अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में ना देगी स्टाइल में कोरमा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत इजी तरीका है देग में कोरमा बनाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से देग में कोरमा बनता है। आज मैं आपको वही तरीका शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में। यहाँ पर मैंने एक कप से थोड़ा कम, यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसमें मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज का कलर लाइट गोल्ड होने तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो देखिए प्याज का कलर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं इसे तेल में से अलग कर ले रही हूँ। ज़्यादा देर तक अगर आप इसमें रखेंगे ना तो ये डार्क हो जाएगी। मुझे बस इतना ही चाहिए। तो देखिए सारे प्याज को मैंने निकाल कर बाहर रख लिया है। अब मैं इसे ना मिक्सी में दरदरा पीस लूँगी। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। 150 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने दही लिया है। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। 1 चम्मच नमक लिया है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच घर का गरम मसाला कुटा हुआ लिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने वही ऑयल लिया है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था ना, तो इसमें मैंने 1/2 किलो के करीब गोश्त का इस्तेमाल किया है और इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और यहाँ पर मैंने दही भी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। 10 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही मिक्स करके रखा था। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे अच्छे से कवर करके कुकर में 7 से 8 सीटियाँ आने तक मैं इसे पकाऊँगी। तो देखिए 7 से 8 सीटियाँ हो चुकी हैं। प्रेशर को हमने ऐसे ही रखा हुआ था। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैं इसे ज़्यादा देर तक हाथ नहीं लगा पाई। तो अब मैंने क्या करने लगी हूँ, गैस के फ्लेम को मैं ऑन कर लूँगी और गैस के फ्लेम को ऑन करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक ये अच्छे से भून रहा है। जब तक मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 10 से 12 बादाम लिए हैं। बादाम का मैंने मिक्सी में पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं इसे एक साइड में रख दूंगी। अब देखिए प्याज जो हमने फ्राई किए थे ना, इसको मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा ही रखना है। दरदरा रखने से क्या होगा ना, आपका जो कोरमा है ना ये दानेदार कोरमा बनकर तैयार होगा। बहुत टेस्टी सा कोरमा बनकर तैयार होगा आपका। तो देखिए कितना दानेदार बन रहा है। अब मैं इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। जब भी आप इस तरीके का कोई कोरमा बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो देखिए 3 से 4 मिनट तक मैं इसे लगातार भून रही हूँ। देखिए तेल जितना भी था सारा वो सरफेस पे आ चुका है, यानी ये बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें जो बादाम का पेस्ट मैंने तैयार किया था ना वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बादाम का पेस्ट इसमें ऐड करने के बाद 2 मिनट तक मैं इसे और अच्छे से भून लूँगी, ताकि ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है बादाम का ये भी इसमें अच्छे से
मिक्स हो जाए, अच्छे से भून जाए इसमें। तो देखिए 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका है। थोड़ा सा थिक लग रहा है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है, बहुत ही ज़रा सा पानी इसमें मैंने ऐड किया है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये कोरमा तैयार हो रहा है तो कोरमा ज़्यादा पतला नहीं होता है, थोड़ा सा थिक होता है। आप चाहे तो ग्रेवी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे पानी डालने के बाद 1 मिनट तक और भुना है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और मैंने इसे डिश आउट भी कर लिया है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करती रखूँ।